हाँ जी, गुड मॉर्निंग दार्जिलिंग, कैसे हो आप लोग? अभी फ़िलहाल मैं हूँ दार्जिलिंग में। सुबह सुबह मुझे उठा दिया गया कि आपको जाना है लोकल साइट सीइंग देखने के लिए। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा देर से ले जाते, बट ठीक है। कल रात को आपको जब मैंने अपडेट दिया था कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करने, तो मैं गया था स्ट्रीट फूड ट्राई करने, तो मैंने एक एग रोल वगैरह लिया था। और हाँ, बस मैं एग रोल खाया था क्योंकि रास्ते में जहाँ पे सिक्किम से आते टाइम पे जहाँ पे गाड़ी रुकी थी वहाँ पे मैंने खा लिया था, तो हेवी डाइट हो गया था, इसलिए मैंने बोला ऑलमोस्ट फुल था मैं, मैंने बोला रहन देता हूँ। तो एक मैंने एग रोल खाया बस, और रात को सो गया। फिर सुबह मैं उठा, मतलब वही जब वापस गया होटल पे, तो जिनसे मेरी बात हुई थी, मतलब होटल के ओनर सरोज भाई से, तो उन्होंने बोला कि यार वो बंदा तो अभी सो गया होगा, आपने उस टाइम बताया नहीं। मतलब वो टाइगर हिल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मॉर्निंग में टाइगर हिल मैंने देखने जाना था जो कि 4 बजे ले जाना था। और फिर उन्होंने फ़ोन लगाया, वो बंदा फ़ोन उठा ही नहीं रहा था, मतलब जो मालिक था या जो उनसे कांटेक्ट में था, ये ट्रैवलिंग वाला जो भी। तो फिर उन्होंने बोला क्या करोगे, मैंने बोला ठीक है पोस्टपोन करते हैं क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है। वो बोल रहे रिजर्व में जाओगे, फिर मैंने बोला मुझे बाइक मिल जाएगा तो मैं बाइक से चला जाऊँगा। तो बोल रहे कि बाइक तो मेरे पास ही है, वैसे रेंट पर मिलेगी नहीं, लेकिन मेरे पास है, आप चला लोगे? मैंने बोला हाँ चला लूँगा। बट फिर उन्होंने लास्ट में बोला, नहीं उनकी भी बात सही थी, मतलब वो बोल रहे हैं कि आप मतलब मैंने नई नई अभी गाड़ी निकाली है तो इसलिए, बट वो ट्रस्ट कर रहे थे मुझ पर कि देने वाले थे, बट एट लास्ट मोमेंट मे बी उनके जो आसपास वाले लोग थे शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा। मतलब नई गाड़ी कोई ऐसे किसी को कैसे दे देगा, अनजान आदमी को? मैं उस बात का मैं फुल्ली रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। बट तो उसके बाद प्लान पोस्टपोन हो गया, फिर मैं सोया। भाई साहब ठंडी इतनी है दार्जिलिंग में, इतनी है क्योंकि मैं वहाँ गैंगटॉक में था, मतलब ऑलमोस्ट सेम था। यहाँ पे आप यूँ मान के चलिए कि मैं कल रात को मैं लैपटॉप निकाला था, तकरीबन 11 बजे के आसपास की बात है, मैंने लैपटॉप निकाला और मैं खुद कंबल में था और बाहर लैपटॉप रखा हुआ था, ठीक है। तो लैपटॉप बाहर, मतलब बाहर इन द सेंस रूम में ही था, बस कंबल के बाहर बेड पे रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद जो लेयर है लैपटॉप का पूरा कोल्ड हो गया, लग रहा है कि फ्रिज हो गया है एकदम, छूने पे हाथ कांप रहे थे। मैं हाथ बाहर निकाल रहा था तो मेरा हाथ हालत ख़राब हो जा रहा था, इतनी ठंडी थी। यकीन मानो, मतलब ये टेम्परेचर नहीं दिखा रहा, उससे कहीं ज़्यादा ठंडी है। और फिर उसके बाद लैपटॉप मेरा बंद हो गया अचानक, मैंने बोला क्या हो गया है। फिर मैंने उसको रिस्टार्ट वगैरह किया, फिर कंबल में उसको ले गया, गर्म किया लैपटॉप को थोड़ा, उसको जो ऊनी ऊनी और रेशमी सरफेस होते हैं जो कंबल वगैरह के, उससे मैंने उसको रब किया, रगड़ा, तब जाके थोड़ा सा उसमें वॉर्म आया, फिर जाके वो हुआ। मतलब 5 मिनट बाद ही स्टार्ट हुआ मेरे हिसाब से, बहुत बहुत कोल्ड था। और फिर सुबह सुबह मैं उठा, भाई साहब मेरा पैर थोड़ा बाहर निकल गया था, पैर हालत ख़राब हो गया, जमने टाइप का हो गया, इतनी ज़्यादा ठंडी है। मैंने फिर उठा, मैं सुबह सुबह इनका कॉल आ गया, हालांकि मेरी बात हुई थी कि 10 बजे से जाएंगे, फिर ये 9 बजे ही इन्होंने कॉल किया, नहीं 8:30 में कॉल किया कि आप चले जाओ, मतलब बात हो गई थी जाना है कि नहीं जाना है। मैंने बोला जाना है, आप पूछ लो कब से वो जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि आपको 9:30 पहुंचना होगा वहाँ पे, पहले बोला 10 बजे, फिर बोल रहे फ़ोन करके कि 9:30 पहुंचना होगा, आप चले जाओ, गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी। तो यहाँ कोई दार्जिलिंग स्टेशन से पहले एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये कुछ ऐसी है गाड़ी, यूँ अब देख लीजिए ये नज़ारा है बाहर का, ये ऐसा कुछ नज़ारा है बाहर का, ये ड्राइवर साहब हमारे। अच्छा कुछ ऐसा है माहौल अभी का, अभी मैं अकेला हूँ यहाँ पे। हालांकि बेस्ट थिंग क्या है कि मुझे आगे वाली सीट मिल गई है, जिसके लिए मैं बेताब रहता हूँ, बेकरार रहता हूँ, आगे बैठने के लिए मिल गई है। और देखता हूँ लोकल में आई थिंक क्या क्या है, टी गार्डन है और कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो ये सब घूमना है। और वापस फिर 2 या 3 बजे तक ये मुझे ड्रॉप करेंगे, फिर मैं वहाँ रूम पे, मतलब होटल जाऊँगा, मैं अपना बैग वगैरह कलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने बैग वगैरह वहीं पर रख दिया, उनका जो कलेक्शन रूम था जो भी है उधर मैंने रख दिया था उनका। अब जाऊँगा तो बैग लूँगा और शायद कुछ देर और मार्केट्स वगैरह घूमूं और फिर मैं निकल जाऊँगा जलपाईगुड़ी के लिए, क्योंकि जलपाईगुड़ी से कल मेरी सुबह में ट्रेन है, तो कल भी मतलब कल ट्रेन है, तो सुबह 8 बजे ट्रेन है, 8 बजे यहाँ से गाड़ी मिलना मुश्किल है क्योंकि 3 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, 5 बजे आई डोंट थिंक गाड़ी यहाँ से मिलेगी, तो इसलिए मैं आज रात को ही जा रहा हूँ। और वहाँ जाके भी मुझे कुछ ना कुछ स्टे के लिए ढूंढना पड़ेगा, देखता हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। और मैं कुछ लाया नहीं हूँ यार, कैंप वगैरह लेके आया नहीं, कैंप लाया होता तो मैं तो कहीं भी सो जाता, ऐसे खुले में सोना। अब बैग भी है, कैंप रहता तो बैग अंदर हो जाता, चैन में बंद कर देता, लॉक कर देता अंदर से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड है। भैया कहाँ कहाँ घुमाओगे आप? 7 पॉइंट कौन कौन से? टी गार्डन आएगा और हाँ हाँ
रोपिंग वो कार वाला जीप लाइनिंग होगा? जीप लाइनिंग रस्सी में पकड़ के ऐसे जाते हैं? नहीं चलने है तो आपको वहाँ छोड़ देगा है? नहीं रोपे नहीं करना है, रोपे मैंने कर रखा है पहले बहुत बार। तो जैसा इन्होंने बताया टोटल 7 पॉइंट है, कब तक वापस आ जाएंगे हम? एक दो बजे तक हम वापस आ जाएंगे, उसके बाद फिर लोकल मार्केट घूमूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा जलपाईगुड़ी के लिए। ठीक है तो मिलता हूँ आपसे। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का दार्जिलिंग के इस जू में जिसका नाम है पद्माजा नायडू जूलॉजिकल नेशनल पार्क, शायद अगर गलत नहीं क्योंकि पहले ही नाम पढ़ा था मैंने। जब भी नाम होगा आप तो देख ही लोगे इस वीडियो के स्टार्टिंग में। यहाँ पे घुसते हैं, यहाँ पे 60 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है एज ए इंडियन, और 10 रुपीज़ कैमरा का चार्ज है। तो मैंने कैमरा इसके अंदर छिपा लिया था और मैं घुस चुका हूँ। 10 रुपये मैंने नहीं पे किए जुगाड़, और 60 रुपीज़ पे किया है। इधर की तरफ कुछ इंटरेस्टिंग जानवर का दिखाया है कि अंदर की तरफ है, ये पीछे आप देख पाओगे मेरे टिकने से बैठा है यहाँ पे। पता नहीं क्या, इधर नाम भी नहीं लिखा हुआ कि इनका नाम क्या है वैसे। ये है सांबर डियर। यार जानवर तो बहुत है यहाँ पे, बट जो जो इंटरेस्टिंग लगेगा मैं उनको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर ऐसे। तो मैं थोड़ा थोड़ा हालांकि सबकी फुटेज डाल दूंगा जो जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा। टाइगर वगैरह का मैं कोशिश करूंगा कि लम थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनाऊं उनकी, जो मेन मेन जानवर है ये तो दिख ही जाएंगे कहीं भी। ठीक है तो जो कोशिश करूंगा कि जो इंटरेस्टिंग है उनकी मैं वीडियोज़ बनाऊँ, बाकी ये जो नॉर्मल छोटे छोटे जानवर उनकी छोटी छोटी क्लिप डाल दिया करूँगा। बाकी अगर यहाँ नहीं मिलेगा आपको तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, मैं स्टोरीज डाल रहा हूँ उसकी, अतुल 1011, जाइए इंस्टाग्राम चेक कीजिए, वहाँ पे स्टोरी हाईलाइट में आपको दिख जाएंगे ये जानवर्स की छोटी छोटी क्लिप जो वीडियोस हैं, गो एंड चेक इट आउट। ये है स्नो लेपर्ड, अभी ये सो रहा है। वैसे थोड़ी देर पहले जब मैं उधर नीचे से मैं आ रहा था जैसे वहाँ लोग दिख रहे हैं आपको, तो ये बहुत देर से उधम मचाए रखा था, इधर से उधर घूम रहा था, अभी सो रखा है। और ये है लेपर्ड, उधर आपने देखा वो स्नो लेपर्ड था, ये लेपर्ड, ये दोनों थोड़ी देर पहले उधम मचा रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे, अभी सो रहे हैं। मैंने बहुत आवाज़ें लगाई, ये उठ नहीं रहा वैसे, तो आप इधर से देख लो है ये कुछ फिर सो गया। ये है ब्लैक पैंथर, ये देखिए 3 लेपर्ड, एक स्नो लेपर्ड था, एक नॉर्मल लेपर्ड था, और ये तीसरा है पैंथर, वो दोनों तो सोए हुए थे। ये देखिए जगह हुआ, ये कुछ वोल्फ है। यार ये तो बड़ा नज़दीक है, तो कूद जाएंगे भाई, बहुत पास है ये, देख पा रहे हो आप। ये अभी साला डांस कर रहा था, मुझे देखा तो शांत हो गया, ब्रेक डांस।
मस्त जवळून डोळे दिसतात मस्त हे बघ हा बघ ये ये छान जवळून बघायला मिळालं मग असं झोपलं होतं ये आता रिटर्न गौरव घे हा मैं उधर से रिटर्न भी आ गया घूम के तकरीबन 5-10 मिनट हो गए फिर भी ये सो ही रहा है अभी तो अब इसको स्किप करता हूँ क्योंकि टाइम दे रखा है मुझे ड्राइवर ने कि यहाँ पहुँचना है वरना वो छोड़ के भाग जाएगा तो इसलिए चलते अभी भी सो रहा है लेपर्ड ये है बंगाल टाइगर हालांकि काफ़ी ऊँचाई पर देखा मैंने ऊपर पता नहीं जाने का रास्ता है या नहीं यही से आप लोग देखो बंगाल टाइगर ये भी सो रहा है किस्मत ख़राब है स्नो लेपर्ड लेपर्ड एंड ये तीनों उसके तीनों सो रहे हैं ये है बेबी लेपर्ड ये जगह हुआ है लेकिन कोने में दुबका हुआ है बाहर नहीं है ये रहे हमारा बंगाल टाइगर ये भी अकेला ही है तो कोई नहीं पैसा बर्बाद ये है जयकाल सियार बोलते हैं इसको हिंदी में ये है रेड पांडा इसको देखने का मुझे बहुत मन था बहुत दिन से इसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन दुख की बात यह है दूर है पेड़ पर चढ़ा हुआ है कहाँ से नीचे होता है अच्छा लेपर्ड कैट गौर से देखिए इन बंदरों को यही है वो बंदर जिन्होंने 250 कुत्तों को मारा था 250 कुत्तों का कत्ल किया था तो अभी मैं आ चुका हूँ म्यूजियम पे HMI पीछे देख पा रहे हो अंदर चलता हूँ दिखाता हूँ आप लोग को क्या है अगर कैमरा अलाउ किया गया तो दिखाऊंगा वरना आके बताता हूँ कि क्या क्या था अंदर कि कुछ ऐसा है अंदर इनके ये जो सराउंडिंग एरिया है इसके इसको भी इन्होंने सेल्स का धंधा बना लिया यहाँ पे कपड़े उपड़े यहाँ भी बेच रहे हैं क्या बोल सकते हैं हर जगह यही सीन है एक दो बैच में पीछे कुछ मूर्ति है किसी फ्रीडम फाइटर की आई गेस या फिर ये म्यूजियम का आखिरी पॉइंट है यहाँ पे इससे पीछे आप देखो हिल्स वगैरह पूरा डार्जिलिंग को बोलते हैं क्वींस ऑफ हिल्स डार्जिलिंग इसको बोलते हैं गोरखालैंड भी हालांकि आप लोग को अगर ज़्यादा जानना हो तो आप लोग चेक कर सकते हो YouTube वरना कमेंट करके बताओ मैं आप लोग को बता दूंगा एक अलग से वीडियो बना दूंगा गोरखा के हिस्ट्री के बारे में और क्या क्या पंगे और क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं गोरखा और इंडियन लोगों के बीच क्योंकि एक्चुअली ये लोग नेपाल से हैं इनको इंडियन नेपाली का दर्जा दिया गया है ये गोरखा लोग हैं इनका एक स्पेशल कोटा होता है आर्मी में भी फौज में हमारे आर्म फोर्सेज में
गोरखा रेजिमेंट के नाम से लोग जाने जाते हैं। तो ये सब वही लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं वो यही लोग हैं यहाँ पे, जो बसिंदे हैं यहाँ के, प्रॉपर सिटीजन यहीं के हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग। इवन मैं कहीं भी वर्कर्स में बहुत कम, मतलब कोई अगर टूरिस्टिक प्लेस है या कुछ भी, यहाँ बहुत कम ऐसे नॉन गोरखा लोग को मैं देख रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग गोरखा ही हैं। तो ये कमेंट करके बताओ अगर आपको हिस्ट्री जाननी है, वरना आप गूगल पर चेक कर सकते हो। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। जी हाँ, इसका इनका नाम है शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। ये पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हैं। या पीछे देख पा रहे हो इनका सम्मान में इनको बनाया गया यहाँ पे इनका एक ये है। और यहाँ पे हाँ एक्चुअली ये तेंजिंग नॉर्गे जो है, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, इन्होंने 29 मई 1953 को हिस्ट्री बनाया था माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। फर्स्ट मैन बने थे माउंट एवरेस्ट चढ़ने के वाले, और इनके साथ चढ़े थे इमुंड हिलेरी। तो ये इमुंड हिलेरी की प्रतिमा बनाई गई फ़ोटो, और पीछे आप जो देख रहे हो यहाँ पे ये उनका स्मारक है तेंजिंग नॉर्गे का। तो ये दो लोग हैं, ये माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लाइम किया था। आई थिंक इन्हीं के रिगार्डिंग में है ये म्यूज़ियम, क्योंकि हिमालय नाम है तो माउंट एवरेस्ट चढ़े थे मे बी। मैं अगर रिलेट कर पा रहा हूँ सही से तो यही है कुछ, और बाकी अगर कुछ और है तो और दिखा। हाँ जी, तो अभी मैं हूँ ये म्यूज़ियम के बाहर वाले हिस्से पे। अभी अंदर तो कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, तो कैमरा मैं नहीं दिखा पाया। पहले ही उसने वार्न कर दिया था जो सिक्योरिटी वाला था कि कैमरा मत अलाउ करना वरना फ़ाइन हो जाएगा। तो मैं बाहर के एरिया में कर रहा हूँ, म्यूज़ियम में नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली अच्छा है म्यूज़ियम, आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा कि विज़िट करो। इसमें दिखाया गया है कौन कब चढ़ा था, और सबकी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह, नेहरू जी के साथ की फ़ोटोज़, ये जितने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग हैं इंक्लूडिंग एडमुंड हिलेरी। ये बंदा न्यूजीलैंड का था, और ये तेंजिंग नॉर्गे जो थे ये नेपाल के थे। तो इंक्लूडिंग ये सब लोग, और भी बहुत बहुत सुरमा, और भी बहुत बहुत बहादुर लोग हैं जो चढ़े थे उस टाइम पे। इवन 1936 पे चढ़े थे जब हम ब्रिटिश कॉलोनी में हुआ करते थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा अंदर की तरफ, हालांकि अलाउड नहीं किया गया कि वीडियो बनाया जाए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आइए देखिए, बहुत अच्छा है अंदर, अच्छे से तरीके से दिखाया गया एक एक पार्ट्स को। हालांकि उसके बाद भी जो चढ़ते आ रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे उनका भी फोटोज़ वगैरह दिखाया गया है। तो डू विजिट हियर, इट इज़ द बेस्ट प्लेस आई गेस नियर बाई एरिया। अच्छा म्यूज़ियम लगा मुझे, म्यूज़ियम के बाहर वाला हिस्सा। इधर की तरफ से भी एंट्री है, मैं अब बाहर निकलूँगा हालांकि। और ये ऊपर देखिए यहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे एडमुंड हिलेरी, और ये बाहर एरिया और पीछे हिल्स, यही है यहाँ पे। तो अभी मैं उतर आया, ऊपर था HMI, और पीछे की तरफ आप देख रहे हो जयाल भवन है। आप लोग आइएगा तो विज़िट कर लीजिएगा। मेरे ड्राइवर ने, जो गाड़ी वाला था, उसने टाइम दे रखा है मुझे, तो मुझे अभी और भी चीज़ें विज़िट करनी है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ आइए, इस चीज़ को विज़िट कीजिए, अच्छी जगह है उधर। ये कुछ एक स्तूप है, एक प्रतिमा है, इस पे नाम नहीं लिखा गया है कि किसका है, बट इसका जो उद्घाटन किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये जो मैं आपको बोल रहा था कि ये ट्री रोप हो रहा है, ट्री रोप कोर्स। ये आप देखो पीछे की तरफ, इधर की तरफ से ऐसे ऐसे वहाँ तक जा रहे हैं। कुछ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और ले जा रहे हैं वहाँ तक। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, तो मैं भी करता। बहुत लोग इसमें भी जा रहे हैं करने के लिए, बट लैक ऑफ टाइम।